मनीष दुबे तेरे गाड़ी में त्रिशूल हल्ला के स्टैंड अप करूंगा, अन्य तो तेरा सामान बदल दूंगा, न सामान रहेगा साले न किसी से विवाह करेगा। मनीष दुबे को अपना लिया, क्यों अपना लिया मैं बताता हूँ, आगे पीछे खेल में जानता हूँ, अन्य तो सरकार को हिला देगा तेगालवा बाबा। और चेतावनी देता हूँ समाज को, कैसे नारी को घर से बाहर निकालो, अगर कोई रास्ता है तो मैं छोड़ूंगा नहीं, डोंट टच मी, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। जो मनीष दुबे साले तू भरने का औलाद खड़ा हूँ, तेरा गाड़ी में ना आगे के सामान गायब करे मंत्र से। कैसे जानने के लिए आए हैं बाबा के पास कि आखिर बाबा वो शक्ति कहाँ से लाते हैं और कहाँ से ये सब बताते हैं, कैसे बताते हैं, कोई इनके पास परी है, कोई जिन है, या फिर देवी देवता का शक्ति है, क्या है ऐसा जिस शक्ति से बाबा ये सब जो भी होता है अपने बिहार के साथ साथ पूरे देश भर में कोई भी ऐसी घटना होती है उसके बारे में बाबा बताते हैं। चलवा हाँ बाबा, चौगालुआ बाबा, चलवा पूरा वर्ल्ड में एक एक गलवा बाबा दूगो नहीं है, एक एक ऐठा जी बाबा से बच के नीसान। और हम खास करके कार्यक्रम इस चैनल पर दे रहे हैं जो अन्याय हो रहा है पति के ऊपर, मर्द के ऊपर मेहरारू अन्याय करती है, विवाह तो कर लेती है मगर उसका मन बहक जाता है, अपने पति को छोड़ करके यार से कर लेता है, डोंट टच मी नो पार निशान। पैसा होने से अपना पति छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, वो दलिद्री है, ऐसे दलिद्री लोग के लिए एक त्रिशूल उठ गया है, डोंट टच मी नो परमिशन। नाम क्या है मैं ज्योति मौर्या आलोक मौर्या, ये दोनों पति पत्नी हो चुके हैं, आ हो गया था मगर अब दो नंबर काम हो गया है। इस आलोक मौर्या को ज्योति मौर्या ने छोड़ दिया, अपने मांग को धो दिया और यार लोग से ब्याह कर लिया, और का नाम है उसका मनीष दुबे तेरे गाड़ी में त्रिशूल हल्ला के स्टैंड अप करूंगा, अन्य तो तेरा सामान बदल दूंगा, ना सामान रहेगा साले न किसी से विवाह करेगा। पहले ही तीन शादी कर चुका है बाबा वो जो मनीष दुबे है। मनीष दुबे नाम रखा है अच्छा मगर काम गलत करता है, ये सब साजिश के साथ हो रहे हैं। मनीष का नाम बोला है ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या, आलोक मौर्या को साइड कर दिया ज्योति मौर्या ने, और मनीष दुबे को अपना लिया, क्यों अपना लिया मैं बताता हूँ, आगे पीछे खेल में जानता हूँ। ये साजी के साथ हमारे देश को बर्बाद करने के लगा है, ये हिंदुस्तानी नहीं सारा हिंदुस्तान से बाहर का आदमी है। बाबा ज्योति मौर्या को भी मनीष दुबे अब हो सकता है कि नहीं रखेगा, दोनों का नौकरी भी चला गया है, तो फिर ज्योति मौर्या से शादी कौन करेगा, उसको तो हवस का भूख है। हाँ ये ज्योति मौर्या है ये अपने नौकरी खो गई है, और वो जिससे किया उसका भी नौकरी आउट कर दिया सरकार ने। हाँ। सरकार जानता है इसके गाले बाबा जब कहते हैं तो ऐसे आदमी को नौकरी हम नहीं देंगे, और नहीं तो सरकार को हिला देगा तेगालवा बाबा, उसको मालूम है इसको डर नहीं है, मगर मैं भयभीत कर दूंगा, वो भी ठुकराएगा, फिर वो कहीं भी जगह नहीं मिलेगा, पूरा संसार तेरे को थूकेगा और नाले के कीड़े में लाने में रहेगा। मैंने एक बात और कहूंगा, सर झुका दिए हैं बाबा, ज्योति मौर्या को दो बेटियां हैं, अब वो अपने पति को भी नहीं मिल रही है और अपने बेटियों से भी नहीं मिल रही है, तब उसको दूसरा बच्चा कैसे होगा। चलवा सोचने की बात है, जो नारी दो बच्चे पैदा कर दिया वो सारा लोभ में फंस करके वो बच्चे का कुछ उसको अंदर माया नहीं कि हमारा औलाद है हम क्यों सुहा को छोड़ते हैं। अब वो लड़की क्या बनेगी मैं बताऊं, वो लड़की उसी की जैसे बनेगी क्योंकि उसका जड़ खराब हो गया तो हमारे पुलिंग भी खराब होंगे, इसलिए ऐसा जो करता है नारी उसको तेगालवा बाबा छोड़ेंगे नहीं, डोंट टच मी नो परमिशन। और चेतावनी देता हूँ समाज को, कैसे नारी को घर से बाहर निकालो, अगर कोई रास्ता है तो मैं छोड़ूंगा नहीं, डोंट टच मी, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, जो है वहाँ मैं। और सुन लो चलवा, अगर ज्योति मौर्या अगर समझ जाती है तो हम वेलकम कर सकते, समाज भी उठा सकती है।
फिर उसी मर्द को अपना ले, अपने उसी लड़की को अपना ले, तो तेरे गालों में बाबा खुश हो जाएंगे और तेरे को दुनिया में जीने का हक मिल जाएगा, और नहीं तो आउट हो जाएगी। डोंट टच मी, नो परमिशन। बाबा तो ये ज्योति मौर्या आलोक मौर्या की कहानी में अब ये बताया जा रहा है कि जो उसका प्रेमी है पहले से तीन तीन शादी किया है, उसके लिए मनीष दुबे के लिए काम। मनीष दुबे साले तू भरने का औलाद करो, तेरा गाड़ी में ना आगे के सामान गायब पर मंत्र से कैसा मघोड़ा है, रात में काला ड्रेस से काम कर ले, देख ला थोड़ा काम दिखाइए देता।